जब भी किसी पाठ को हम कक्षा में संगीत, नृत्य, अभिनय और भावों के माध्यम से करवाते हैं, तो छात्रों की सभी ज्ञानेंद्रियां, मन, मस्तिष्क, शरीर एक दिशा में रहते हैं। उनका फोकस अच्छा रहता है, उनका ध्यान केंद्रित रहता है। नहीं तो उनका मन इधर उधर जाता रहता है, कभी हाथ बढ़ाते, आगे बढ़ते, दिमाग कहीं चला जाता है। लेकिन संगीत, नृत्य और अभिनय तीनों को एक सीध में लाते हैं और उनका बेहतर ध्यान कक्षा में रहता है। तो कक्षा में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनके सभी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करने के लिए ये जो विधि है बहुत ही कारगर होती है। अपनी कक्षाओं में इन कविताओं को संगीतबद्ध तरीके से, भाव भंगिमाओं के साथ जब हम अपने विद्यार्थियों को सिखाएंगे, तो विद्यार्थी इनसे एक जुड़ाव महसूस करेंगे और इन कविताओं को अतिशीघ्र अपने अंदर आत्मसात करेंगे। इस प्रयोग को हम केवल एक दो कविताएं या कहानियों को सिखाने या सीखने तक न देखें। ये एक बच्चों को एक नई राह दिखाना है, और मैं कहूँगा सिर्फ नहीं राह दिखाना भर है, क्योंकि बच्चों में क्रिएटिविटी, रचनात्मकता मूलभूत रूप से होती है। हमें उसे केवल बाहर लाना होता है, ताकि वे इस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल सिर्फ कविताएं या कहानियां कंपोज करने में ना करें, बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी उसका प्रयोग करें। बच्चों में रचनात्मकता का बीज बोने का ये एक अनुपम प्रयास है।